आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गैज मैं बात करने वाला हूं ड्रीम इलेवन ऐप के बारे में। और इस वीडियो में गैज मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप में अपने केवाईसी को कैसे यहां पे डिलीट करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि अपने केवाईसी को कैसे गैज यहां पे डिलीट कर सकते हैं, अपने केवाईसी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि गैज यहां पे कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे, सर बताइए कि मैं यहां पे ड्रीम इलेवन ऐप में अपने केवाईसी को कैसे गैज मैं यहां पे मुझे डिलीट करना है, मुझे अपने केवाईसी को रिमूव करना है। तो इसी चीज़ के ऊपर में गैज मैंने आप लोग के लिए कंप्लीट वीडियो, मैंने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। तो गैज यहां पे अगर आप लोग को भी अपना केवाईसी को डिलीट करना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए गैज, जिससे कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और गैज आप यहां पे बहुत आसानी से अपने गैज यहां पे केवाईसी को डिलीट कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गैज यहाँ पे देखेंगे आप लोग को भी गैज यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले गैज यहाँ पे आपको तीन लाइन पे जाना है अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे गैज आपको माय बैलेंस दिखेगा, सिंपल माय बैलेंस के ऑप्शन पे जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा माय केवाईसी डिटेल का। तो सिंपल गैज यहाँ पे आप माय केवाईसी डिटेल के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे माय केवाईसी डिटेल के ऑप्शन पे आने के बाद सबसे पहले गैज यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई है, मेरा गैज यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई है, मेरा यहाँ पे पेन कार्ड वेरीफाई है, मेरा गैज यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरीफाई है। तो मैं आपको बता दूं कि गैज यहाँ पे अगर गैज आपको पेन कार्ड को गैज यहाँ पे आपको डिलीट करना है या गैज आप लोग को यहाँ पे बैंक अकाउंट गैज आप लोग को यहाँ पे रिमूव करना है, तो गैज मैं आपको बता दूं कि गैज यहाँ पे जो है गैज यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बैंक अकाउंट गैज यहाँ पे डिलीट करने का ऐसा गैज यहाँ पे ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन गैज यहाँ पे अगर आप लोगों को गैज यहाँ पे सच में अपने केवाईसी को डिलीट गैज यहाँ पे करना है, क्योंकि गैज यहाँ पे ऐसा कोई भी गैज यहाँ पे ऑप्शन नहीं है जिसमें कि गैज यहाँ पे ऑप्शन पे आप टैप करेंगे और गैज आपका केवाईसी जो है डिलीट हो जाएगा। तो अगर गैज आप लोग को सचमुच में अपना केवाईसी को यहाँ पे डिलीट करना है, अपने केवाईसी को सच में रिमूव करना है, तो उसके लिए गैज आपको यहाँ पे फिर से तीन डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है हेल्प एंड सपोर्ट का। सिंपल गैज यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट के ऑप्शन पे आएंगे, नीचे में ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे चैट विथ अस, सिंपल इसमें जाएंगे। इसमें जाकर गैज यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करना होगा और यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट से बात करके उनको ये बोलना होगा कि मुझे अपने केवाईसी को डिलीट करना है। सबसे अच्छी बात है कि गैज यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो गैज यहाँ पे आप दो लैंग्वेज में आप कंपनी वाले से बात कर सकते हैं। सबसे गैज यहाँ पे देखिए, सबसे गैज यहाँ पे ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज दिखेगा, यहाँ पर आप हिंदी में और इंग्लिश दोनों में गैज यहाँ पर कंपनी वाले से बात कर पाएंगे। जो कि गैज अब यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे यहाँ पे कंपनी से बात करके गैज यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।